हेलो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, चाहे वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो या फिर कंडक्टर का हो। तो हमने उस तरीके से जस्ट कहें तो इंट्रोडक्शन हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। आज मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर इस लेक्चर में देखने वाला हूँ कंडक्टर का रेजिस्टेंस, उसके बाद जो फिक्स रेजिस्टेंस कलर कोडिंग वाला होता है वो बना किस चीज़ का होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के अंदर कैसे हम अलग अलग टेम्परेचर पे इफेक्ट उसका पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा आज मैं इस क्लास के अंदर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा लास्ट क्लास का थोड़ा सा पॉइंट रह गया था कि रेजिस्टेंस किसका मेड ऑफ, जो कलर कोडिंग वाला आप रेजिस्टेंस देखते हो ना, ये वाला है ना, ये किस चीज़ का बना होता है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो होते हैं कार्बन है ना, कार्बन के बने होते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कहे तो जैसे कोई भी मेटल, टीन ऑक्साइड है ना, टीन ऑक्साइड, ठीक है ना, तो इनके बने होते हैं। इस पे जो कोटिंग की होती है, जो कोटिंग की जाती है आपने देखो ना कि कोटिंग की जाती है इस पे, है ना। तो जो कार्बन पे कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है, सिरामिक लेयर की, सिरामिक लेयर की। कई बार आप देखोगे तो ये जो बनते हैं, ये जो होते हैं है ना, निकेल, निकेल एलॉय के भी बनाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन मोस्टली कई बार कार्बन आपको देखने को मिलता है, मेटल ऑक्साइड देखने को मिलता है, टीन ऑक्साइड, क्योंकि मेटल के अंदर हमने टीन लिया तो टीन ऑक्साइड हो गया, या निकेल एलॉय, इनके बने होते हैं। फिक्स कार्बन की बात कर रहा हूँ जिसपे कलर कोडिंग होती है। अगर इस पर कोटिंग की बात करें तो सिरामिक का लेयर होता है इस पर, ठीक है ना। तो ये तो रही फिक्स वाला की बात। अब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में वो होता है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। लेंथ के बढ़ाने पे क्या होता है, जब उसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं अभी करूँगा यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर आगे के टर्मों को यहाँ देखते हैं। चलिए अब बात आती है रेजिस्टेंस के अंदर ही कंडक्टर रेजिस्टेंस। इसके भी सिंबल नहीं अभी देख रहे हैं, आपने लास्ट टाइम भी देखा था, सिंबल वही होता है जो किसी प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा सिंबल वही है। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा किया, हमने बोला किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशंस कैसा, यानी आर का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो होगा रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। अब यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को, रो एल बटा ए अगर आया तो ये क्या क्या है, रो इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। आई होप कि लास्ट क्लास में हमने इन सब बातों पे चर्चा कर लिया था। ये कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस है इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए, और ये रेजिस्टिविटी है, लेंथ रहा इसका एल, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है, यहां पे देखना है इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में, अगर इस कंडक्टर का लेंथ से एरिया सेम है, एरिया सेम है, ये एरिया सेम है, और लेंथ को जस्ट डबल कर दी जाए, अगर लेंथ के वैल्यू को जस्ट डबल कर दी जाए, देखिए जस्ट डबल हमने कर दिया, तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, चूंकि लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 2L, कितना हो गया लेंथ, ये 2L हो गया, जस्ट एरिया में कोई चेंजेस नहीं। तो अगर कोई पूछता है इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस, ये जो नया वाला रेजिस्टेंस R न्यू लिख देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली लेंथ जहाँ पे ये L था वहाँ 2L हो गया, तो सिर्फ लेंथ जितना टाइम बढ़ा, एरिया में कोई चेंज नहीं। रेजिस्टिविटी, चूंकि मटेरियल अगर ये कॉपर का है, सपोज दैट ये मटेरियल कॉपर का है और ये भी मटेरियल कॉपर का है, अगर दोनों कॉपर का होगा तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हुआ कि नहीं। अगर आपको फॉर्मूला पे बैठाना है R1 न्यू करके, तो क्या हो जाएगा, रो L के जगह पे यहाँ L है, यहाँ कितना हो जाएगा, 2L इंटू बटा A, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको 2 को निकाल लिया जाए तो क्या हो गया, रो एल बटा
ए, और इसका मान पहले आर दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू आर, ये आर वन न्यू होगा आपका। क्लियर ना? तो ये चीजें होती हैं, लेंथ अगर डबल कर दी जाए तो क्या होगा, इसी तरीके से एरिया अगर डबल कर दी जाए तो एरिया खाली डबल कर दी जाए और लेंथ उतना ही रखा जाता तो रेजिस्टेंस क्या होता, घट जाता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फंडा होता है किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सिंपल होते हैं, एरिया घट जाए तो। हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं है ना, उन चीज़ों पे भी चर्चा और ज़्यादा करेंगे जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, है ना। तो यहाँ पे आई होप कि ये तो बहुत सिंपल तरीका था जो आपने देखा। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये समझिएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं इसकी रिगार्डिंग आपको टर्म बता देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस क्या था, वही सेम मटेरियल था, मटेरियल क्या था, सेम, लेकिन रेजिस्टेंस डायमेंशन पर निर्भर करता है, डायमेंशन कहे तो लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशंस पे, है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी देखिए, अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है, तो सेम मटेरियल अगर कॉपर यहाँ भी है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। इसका मतलब मटेरियल अगर समान हो तो रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होता है, समान होता है, लेकिन डायमेंशंस अगर चेंज कर जाए तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है। ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आपके एग्जाम में यूनिट पूछता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम में होता है ना। अगर रेजिस्टेंस का यूनिट पूछे तो ओम में, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट किस पे होता है। तो चलिए हम पहले एक बार इन दोनों के बीच रिलेशन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ओके, अब मैं यहां देखता हूं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के अंदर इसके अलग अलग डिफिनेशन किस तरीके से होते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो देखिए यहां पे मैंने लिया हुआ है रेजिस्टिविटी, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या किसी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि कोई कॉपर का कंडक्टर होगा। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जैसे कोई की कॉपर का कंडक्टर है, ये इसके अंदर कंडक्टर है, ऊपर तो पीवीसी है, ये कंडक्टर है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि ये कितना बढ़िया रजिस्ट करे किसी को और कितना कम से कम रजिस्ट करे, है ना। जो ज़्यादा रजिस्ट करेगा तो वैसे कंडक्टर को हम नहीं लेंगे, जो कम से कम रजिस्ट करेगा वैसे कंडक्टर को हम लेंगे। जैसे कि कॉपर कम रजिस्ट करता है, चांदी सबसे कम रजिस्ट करता है लेकिन महंगा होने के कारण हम यूज़ नहीं करते, है ना। प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो हाई रेजिस्टिविटी होगा, करंट उससे सप्लाई नहीं हो पाता, इसीलिए हम चूज़ करते हैं कॉपर एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके मतलब है यह किसी कंडक्टर यानी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, दैट रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज के फ्लो का क्या करता है, विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, उसके रास्ते को अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हो गया, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज अगर कोई बोलता है तो क्या है, करंट, फॉर ए सेम वैल्यू, अब वहां तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद कह रहा है फॉर सेम वैल्यू मटेरियल, सेम यानी सेम मटेरियल इट रेजिस्टिविटी इज सेम, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगा। इसका क्या मतलब है, चाहे आपका कंडक्टर इतना बड़ा हो, ये कॉपर का हो, या फिर सेम कंडक्टर की लंबाई कितनी भी बड़ी हो जाए, ये कॉपर का ही है, तो इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो होगी, है ना। तो समान मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करता है, यही बोला है, फॉर सेम मटेरियल इट्स रेजिस्टिविटी इज सेम, दैट इज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। इसका मतलब ये कि इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस किसको बोल रहे हैं, इसकी लंबाई, एरिया किसको बोल रहे हैं, इसका ये एरिया, इन चीज़ों पर ये क्या करता है, निर्भर नहीं करता। यानी लंबाई चाहे बढ़ गया, देखिए रेजिस्टिविटी यहाँ रो है तो यहाँ भी रेजिस्टिविटी कितना है, रो है, यहाँ पर लेंथ हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया, उसके बावजूद रेजिस्टिविटी दोनों का सेम है, एरिया सेम रखा है। क्लियर ना, तो ये चीज़ें इन्होंने ये बोल रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ये हो गया। तो अगर रेजिस्टिविटी का कोई यूनिट पूछ दे, रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ दे, तो आर का फॉर्मूला से आप क्या जानते हो, रो इजकल टू एल बटा ए, ये रहा आर इजकल टू रो एल बाई ए, यानी रो अगर कोई निकालने के लिए बोले तो आर इंटू ए बटा एल, इसका मतलब ओम एरिया को क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ क्या हो गया, खुद मीटर में आएगा, ये कट गया तो क्या हो गया, ओम मीटर। ध्यान रहे ये आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है ना, आपके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम
मीटर, ये बड़ा दिमाग में रखना है और एकदम पूछता ही पूछता है एग्जामों में ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। ओके, तो आपने रेजिस्टिविटी देख लिया। अब हम बात करें यहां से रेजिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये करंट के फ्लो का विरोध करता है, लेकिन ये क्या करता है, डायमेंशंस पर निर्भर करता है। अगर बात रेजिस्टेंस की करें तो इट अपोज, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। यह चार्ज का क्या करता है, विरोध करता है, दैट इज करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, करंट का अपोज करता है। बट इट डिपेंड्स डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। डायमेंशन कौन सा, जैसे कि लंबाई हो गई है ना, इसका एरिया हो गया, इन पे ये डिपेंड करता है ना, तो ये रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी, तो यहाँ देखिएगा तो क्या हुआ, ये देखिए जैसे लेंथ इस कंडक्टर का हमने बढ़ा दिया, 2L कर दिया, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब इसका अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो 2R, तो लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस जरूर चेंज करता है। इसका अगर R1 नया नाम दूं तो क्या होगा, 2R। तो डायमेंशन देखिए, कंडक्टर सेम रहा, लेकिन कंडक्टर सेम होने के बावजूद रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज कर गया। तो एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टिविटी क्या डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है। फिर एग्जाम में कई बार पूछता है क्या रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, तो हाँ करता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है ना। अब बात रही टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है ना, और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है। तो ध्यान रखें, कई बार आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर पूछेंगे तो वो कहेगा रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे नहीं, जबकि दिमाग में हमेशा रहे टेम्परेचर से दुनिया का कोई सिस्टम नहीं बचा है। टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा सिस्टम अफेक्ट होगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट चाहे रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टेंस या किसी भी सिस्टम की बात की जाए, हमेशा पड़ता है टेम्परेचर का इफेक्ट। इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे कि टेम्परेचर का बताइए क्या रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या करता है, बढ़ता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या करता है, बढ़ता है। इस चीज़ का ध्यान रहे, यानी आप इसको टी कह सकते हो, बढ़ेगा टेम्परेचर तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी हमेशा। इस चीज़ का दिमाग में रहे आपको, है ना, ये चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें इन कंडक्टर में, तो इसके फॉर्मूले डिराइव होते हैं और उसका मैं निकालूंगा वहीं से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करूंगा मैं। यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ने से, यहाँ भी इस कंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये लेकिन किसके लिए वैलिड है, अभी तक मैं कर रहा हूँ कंडक्टर, लेकिन सेमी कंडक्टर के अंदर जस्ट रिवर्स होता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो इस चीज की चर्चा करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। ओके, अब यहां मैं देखता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर पे ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इसको मान लो, एक तो हीट की बात करें, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, मान लो शुरुआत में यहां पे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और कहीं टेम्परेचर हाई होने के कारण या इसी कंडक्टर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो कंडक्टर क्या होगा, हीट होगा। अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो हीट होगा, और हीट क्योंकि किस पे बेसिस पे हीट होगा, H=IA²R×time। टाइम जितना बढ़ेगा, करंट जितना हैवी होगा सिस्टम कंडक्टर यानी उतना ही हीट होगा। तो जब ये हीट होता है, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ इसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो हीट तो हो गया, तो टेम्परेचर राइज कर गया ना कंडक्टर में, तो इसके कारण रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस चीज की चर्चा करेंगे। तो रेजिस्टेंस कहता है, फॉर्मूला है कि देखिएगा, दोनों को अलग अलग चीज से चर्चा करूं, ये है 25 डिग्री सेल्सियस, ये है 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत कोई इसको नाम दे देता है आर ओल्ड, यानी ये पहले का और ये बाद में हीट होने के बाद, इसको नाम देता है आर न्यू। तो आप कुछ भी कर सकते हो, हम चाहते तो यहाँ ये भी ले सकता हूँ कि R 35 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर R ले सकता हूँ क्या, जब R
25 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, तो ये भी एज्यूम किया जा सकता है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका आता है, नया प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर ओल्ड इंटू वन प्लस माइनस, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर का भी जनरल ले रहा हूँ, जनरल इक्वेशंस, प्लस माइनस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये जनरल इक्वेशन होता है रेजिस्टेंस का, समझिएगा, ये जनरल इक्वेशन होता है, इसको मैं बोलता हूँ जनरल इक्वेशन। अगर किसी कंडक्टर की चर्चा की जाए, कंडक्टर में, तो ध्यान रहे पॉजिटिव किसके लिए लेते हैं, किसी कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव लूंगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना का है जी, 25 और 10 35 हो गया है ना, तो 10 का डिफरेंस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए पॉजिटिव किसके लेते हैं, कंडक्टर के लिए, और नेगेटिव किसके लिए लेते हैं, सेमी कंडक्टर के लिए। अभी मैं बारीकी से समझाता हूँ एक एक चीज़। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर पे इफेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं एक चीज़ तो ले लूँगा फॉर कंडक्टर, अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ फॉर कंडक्टर की, तब क्या होगा आर न्यू, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा जब ताप बढ़ेगा, तो हम कहेंगे आर ओल्ड वन प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू। इसका मतलब अब समझिए, जहां पे कौन कौन सा मान क्या है इसकी भी चर्चा कर ली जाए, आर न्यू क्या है, आर न्यू क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कर लिख देता हूं, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, न्यू कौन, जब टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो हुआ है ना, जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस जो हो गया है। आर ओल्ड क्या है, आप कह सकते हो ओल्ड रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये लेट्स एग्जांपल हमने लिया है, और आपसे कोई कहता है अल्फा क्या है, तो आप कहोगे इसी को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफी सीएंट, इसी को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशियंट, यानी ताप गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ताप गुणांक, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में कितना अंतर है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कितना अंतर है, यही दिखाता है। तो अगर इसके लिए, यही एग्जांपल के लिए कोई चेंज इन टेम्परेचर आपसे पूछे, तो कितना होगा जी, 35 माइनस 25, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 10 डिग्री यहाँ पे हो गया ना, तो ये होता है टेम्परेचर का डिफरेंस दिखाना, तो ये होता है किसी कंडक्टर के लिए वैलिड, ठीक है, आपने देख लिया। अब कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ देता है कि इसका टेम्परेचर जो कोफिशियंट है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज तो देख लेता हूं कि अगर ताप बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, ये देखिए ताप बढ़ रहा है कि नहीं, 35 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि इनमें कितने का 10 डिग्री का डिफरेंस है, 20 का होता तो टेम्परेचर और बढ़ जाता डिफरेंस, ये बढ़ा तो प्लस में है, तो ओवरऑल न्यू वैल्यू भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एक चीज तो तय हो गया कि किसी कंडक्टर पे, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर होता, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है, एज वेल एज रेजिस्टिविटी भी होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा राइज करता है। तो आई होप आपने देख लिया ये जनरल इक्वेशन भी, और यहाँ पे आपने इन चीज़ों के भी चर्चा कर लिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, क्या ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दिमाग में बस वो चीज़ रखिएगा ना, तो फॉर्मूला के बारे में भूल भी जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है, तो यहाँ से देखते हैं एक बार, देखिएगा कि क्या ऐसा होता है सिस्टम के अंदर। देखिए, सपोज दैट ये कंडक्टर था, शुरुआत में कितना टेम्परेचर था, 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो एक क्या था, सिस्टमेटिक वे में था, और आसानी से क्या कर रहा था, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन किसी कारण हीट बढ़ गया, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ हीट को फिलहाल, हीट बढ़ गया, जब टेम्परेचर राइज होता है तो ऐसे कंडीशन में, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के हो गया हमारा कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 बढ़ के हो गया कितना,
35 डिग्री सेल्सियस जब हीट हो जाता है, हालांकि हीट तो करंट के फ्लो होने से ही होगा है ना, आई स्क्वायर आर टी, या फिर बाहरी से भी आपने अगर हीट कर दिया तो देखिए क्या होगा, जो रैंडमनेस है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाता है, वो क्या करता है डिस्टर्ब, और एक दूसरे से कोलिजन होने लगता है। अगर मैं यहाँ फ्रेस में दिखा दूँ, क्या दिख रहा है क्या आपको नीचे, नहीं दिख रहा, चलिए मैं आपको फ्रेस में दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। कि मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन्स बहुत सीधा था, लेकिन आराम से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब हीट हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स में ना कोलिजन होना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, कोलिजन होना शुरू होता है, और जब कोलिजन होगा तो भगदड़ मचेगी, तो चीज़ें आगे की ओर फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा आगे की ओर क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। अगर आगे की ओर फ्लो नहीं करेगा तो एक तरीके से पहले जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर मूव कर रहा था, बाद में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, और यही डिस्टर्बेंस तो है रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो का विरोध करता है। इसका मतलब अगर इस पे रेजिस्टेंस पहले मैं कहता हूँ 10.5 ओम था, जब पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे 10.5 ओम था, तो जब टेम्परेचर बढ़ा 25 से 35 हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है रेजिस्टेंस 10.75 ओम हो सकता है। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, 10.7 ओम, 25 पे इतना है तो 35 पे कितना होगा, 10.75, 0.25 का कितना हो गया वृद्धि, इंक्रीजमेंट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है कि जब आप ही सोचो ना, कि मान लो कि सपोज दैट एक बड़ा पार्क है, उसमें थाउजेंड्स लोग वहाँ पे हैं, और वो अगर आराम से निकले ना तो प्रॉपर वे में बहुत लोग वहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन वही भगदड़ मच जाए कि कोई कह दे कि यहाँ बम है, तो भगदड़ जैसे मचेगा ना तो उतने लोग नहीं निकल पाएंगे, बस तो क्या हुआ, एक तरीके से जाने में एक अवरोध उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या होता है डिस्टर्ब होता है, तो डिस्टर्ब होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, वैल्यू बढ़ गया। इसका मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उससे वैल्यू बढ़ गया, क्लियर है ना, वैल्यू क्या करता है, राइज करता है। राइज क्यों कर गया, क्योंकि कर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पहले जितना था अब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर विरोध हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस तो उसी को कहते हैं जो करंट का फ्लो का क्या करे, विरोध करे, करंट धारा के प्रवाह का जो विरोध करता हो। आई होप आपने समझ लिया कि ताप के चेंज होने से रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा। तो ये भी साइकोलॉजी अगर दिमाग में रहे तो आपको दिमाग में रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो आसानी से नहीं जा पाता, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर कॉफिशियंट का यूनिट क्या होगा। ये यूनिट निकालने के बाद हम आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो चलिए पहले मैं इसको देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा टेम्परेचर कोफिशियंट का यूनिट क्या होता है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लूँ टेम्परेचर कोफिशियंट का यूनिट। तो हमने फॉर्मूला देखा था आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड इंटू 1 ± α इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। कंडक्टर के लिए क्या लिए हैं, प्लस। तो चलिए मैं बात करूँ यहाँ पे आर न्यू इज इक्वल टू, अब कोई प्लस माइनस ले किसी भी कंडीशन के लिए, ध्यान रखें चाहे कोई भी कंडीशन हो अल्फा का यूनिट हमेशा सेम होगा, उसको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आर ओल्ड अगर इससे गुना हो जाए, प्लस लेके चल जाता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर ओल्ड इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, चूँकि ये निकालना है अपने को तो इसको फ्री करने की कोशिश करेंगे। आर ओल्ड इंटू चेंज इन टेम्परेचर बराबर क्या होगा, आर न्यू माइनस आर ओल्ड। अब बताइए ये देखिएगा, इनका डिफरेंस जो होगा, समझने की चीज़ है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि इसके यूनिट ओम और इसके यूनिट ओम तो काट देंगे, नहीं, ये मान लीजिए नया रेजिस्टेंस 10.75 हुआ था सपोज दैट, जो हमने प्रैक्टिकली देखा था वहाँ पे डिजिट में, और ये 10 पॉइंट कितना हो गया था, 5 था, है 10.5, इसका मतलब 0.25 ओम यूनिट क्या होगा, डिफरेंस बनने के बाद भी यूनिट क्या बचेगा, ओम में ही बचेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, दोनों के यूनिट को काट नहीं देना है, है ना। और यहाँ क्या है, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू आर ओल्ड। अल्फा अब निकालना चाहूँगा तो ओम बटा आर का यूनिट, इस यहाँ भी क्या होगा ओम, रेजिस्टेंस है कोई भी हो तो उसका यूनिट ओम, बट टेम्परेचर चेंज क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, क्या होता है डिग्री सेल्सियस, तो ओम ओम कैंसिल आउट, तो क्या हो गया
पर डिग्री सेल्सियस, बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये देखने को मिलता है, पर डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या फिर केल्विन का इनवर्स। तो आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए, इसका यूनिट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर बात की जाए कंडक्टेंस की, एक बार ध्यान से समझ लेना है, खाली एक वर्ड में लिख देता हूँ, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट करते हैं, अब ये नया चीज़ है, ये तो यूनिट आपने देख लिया, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और जी जो होता है ना वो इनवर्स होता है 1/R का, क्योंकि जब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। तो कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट पूछता है, तो आप जानते हो 1/ क्या होता है जी, ओम, 1/ ओम, 1/ ओम को क्या बोलते हैं जी, सीमेंस, सीमेंस, ध्यान रखें 1/ ओम को सीमेंस बोलते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कंडक्टेंस का यूनिट बताइए, जो क्या होता है 1/ ओम, और 1/ ओम को क्या लिख सकते हो, ये ओम का इनवर्स, और इसका यूनिट में क्या लिख सकता हूँ, ओम का इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं, या फिर इसी को महो ऐसे लिख देता है, इसी को बोलाता है महो, क्या बोलेंगे, इसी को पलट दीजिए, इनवर्स की बात कर रहा है, पलट दीजिए, ये भी होता है। और कई बार क्या कहते हैं, देखिए 1/ ओम है ना, समझिएगा 1/ इसको लिखना है तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको और लिखना होता है ना, तो कई बार क्या लिख देते हैं, जी के लिए 1/ ओम है, तो 1/OHM होता है ना, तो इसी को बोल देता है, ऊपर जब जाएगा तो ओम का इन्वर्स हो जाएगा, है ना, जी के लिए, तो इसी को बोलता है ओम का इन्वर्स को उलट दो, MHO लिख दो, क्या लिख दो, महो, तो जी का यूनिट और क्या होता है, महो। तो किसी भी टर्म में अगर पूछे तो आई होप आप आंसर कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा एक और चीज़ रह गया, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, जैसे कंडक्टेंस का उल्टा क्या था, रेजिस्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो वह आपको देख लेना है। अब एक टर्म है आपके लिए कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा, है ना, जिसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, वैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा, तो इसका यूनिट क्या निकला था, ओम मीटर। अब आपको पता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यूनिट यही होता है कंडक्टिविटी का, और इसका देखिए 1/ ओम को आपने क्या भी लिखा है, सीमेंस, सीमेंस है ना, और सीमेंस पर मीटर, ये दिमाग में रहे, ये आपको कंपटीशन में बड़ा पूछा जाता है ना, सीमेंस पर मीटर, या कंडक्टेंस का अगर पूछे तो सीमेंस, है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या फिर और कह दे तो ओम का इनवर्स मीटर का इनवर्स, ये तो आप कर सकते हो, ये तो नॉर्मल मैथमेटिकली है, तो ये भी चीज़ें कई बार आपको देखने को मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग ये है, बाकी न्यूमेरिकल में हम कुछ और स्ट्रेस्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा लेंथ बढ़ने से अगर ये हो रहा है तो स्ट्रेस किया जाए तो क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहा होगा, इस लेक्चर में इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आगे के लेक्चर को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।